हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल T10 स्टडी पर। आज के क्लास में हम लोग देखेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, यानी कि प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, आप बहुत सारे एग्जामिनेशन में प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो लास्ट तक वीडियो में बने रहें, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आप लोगों को। ठीक है, और यदि चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में भी वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। देखिए, यदि आपने मेरा पिछला वीडियो देखा होगा तो उसमें मैंने बताया था कि प्रकाश जो है वह एक अनुप्रस्थ तरंग है, और अनुप्रस्थ तरंग को ट्रैवल करने के लिए किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती, वह किसी भी मीडियम में ट्रैवल कर सकता है। लेकिन अलग अलग माध्यम में क्या होता है, उसका चाल अलग अलग होता है। क्यों? क्योंकि माध्यमों का अपवर्तनांक अलग अलग होता है। जैसे मान लीजिए कि मैं यहाँ पर कोई मीडिएटर डाल देता हूँ और ये आपका मीडियम वन बन गया, ये आपका मीडियम टू बन गया। ठीक है, मान लीजिए कि मीडियम वन का अपवर्तनांक क्या है, कम है। ठीक है, और मीडियम टू का अपवर्तनांक क्या है, ज़्यादा है। तो उस परिस्थिति में क्या होगा कि दोनों में जो प्रकाश चलेगा तो उस दोनों में चाल अलग अलग होगा, और चाल अलग अलग होने से क्या होता है कि इसके डायरेक्शन में चेंजेस आ जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि कोई प्रकाश की किरण ऐसे आपतित हुई, ठीक है, तो क्या होगा, जैसे ही ये इस मीडियम में आएगा तो यहाँ से क्या होगा, इसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, डायरेक्शन इसका चेंज हो जाएगा। ये आना कैसा चाहिए था, ऐसा, लेकिन ऐसा ना आकर के क्या होता है, इसका डायरेक्शन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। क्यों? क्योंकि दोनों का अपवर्तनांक अलग अलग है। इसी घटना को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाश का अपवर्तन। यानी कह लें कि जब प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो क्या होता है, वह अपना मार्ग बदल लेती है, या उसके मार्ग में क्या हो जाता है, परिवर्तन आ जाता है। इसी घटना को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। चलिए, अब हम लोग यहाँ पर उसी को परिभाषित कर लेते हैं। मैंने अभी क्या कहा कि जब प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपना पथ से क्या हो जाता है, विचलित हो जाती है। इसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। जैसे आप यहाँ पर पिक में देख रहे होंगे, जैसे देखिए यहाँ पर ये आपका वायु वाला मीडियम हो गया और ये आपका कांच वाला मीडियम हो गया। ठीक है, तो यहाँ जो कांच है इसका अपवर्तनांक ज़्यादा होता है, और ये जो आपका एयर वाला एरिया हो गया इसका अपवर्तनांक कम है। तो जब प्रकाश की किरण वायु से, ये कौन सा, एयर वाला एरिया है, तो जब वायु से इस कांच में प्रवेश कर रहा है तो देख रहे हैं यहाँ पर से क्या हो रहा है, इसका डायरेक्शन चेंज हो जा रहा है। ये कैसा आना चाहिए था, इस तरीके से आना चाहिए था, लेकिन ऐसे ना आकर के क्या हो गया, ऐसे आ गया, डायरेक्शन क्या हो गया, इसका चेंज हो गया। तो इसी को हम लोग प्रकाश का अपवर्तन बोलते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्या देखते हैं, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं पूछा जाता है, याद रखिएगा, प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम हैं। तो वो नियम क्या है, सुनिएगा, क्या कह रहा है, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। तो आप यहाँ पर गौर कर रहे होंगे, ये एक समतल है, ठीक है, जिसमें क्या है, ये जो आपतित किरण है, अपवर्तित किरण है और ये जो अभिलंब है, तीनों जो है एक ही समतल पर है। ठीक है, ये हो गया पहला। दूसरा मैंने क्या बताया कि प्रकाश के किसी विशेष वर्ण के लिए, ठीक है, प्रकाश के किसी विशेष वर्ण के लिए आपतन कोण कीजिए, ये जो इंसिडेंट एंगल आई है, ठीक है, ये, और अपवर्तन कोण, ये जो आर है, रिफ्रैक्टिव एंगल, ठीक है, दोनों क्या होता है, एक नियतांक होता है। यानी फिर से सुनिएगा, क्या कहा मैंने कि प्रकाश के किसी विशेष रंग के लिए, है ना, आपतन कोण कीजिए और अपवर्तन कोण कीजिए का अनुपात क्या होता है, एक नियतांक होता है। ठीक है, उसी को मैंने यहाँ पर लिख दिया, क्या, n इज इक्वल टू साइन आई बाई साइन आर, जहाँ पर n क्या है, आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, i क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंट है, और r क्या है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। ठीक है, तो ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं, तो याद रखना है दो नियम है। पहला नियम क्या हो जाएगा, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, और दूसरा क्या हो जाएगा, प्रकाश के किसी विशेष वर्ण के लिए आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात क्या होता है, एक नियतांक होता है, यानी कि साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू, या तो म्यू कह लीजिए या तो एक स्थिरांक कह लीजिए। ठीक है, और प्रकाश का जो अपवर्तन का दूसरा नियम है, साइन आई बाई साइन आर, इसी को क्या बोलते हैं, स्नेल का नियम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं,
स्नेल का नियम भी बोलते हैं, तो इसको भी आप याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए मैंने अभी जस्ट कहा प्रकाश के अपवर्तन के दूसरे नियम को क्या कहा जाता है, स्नेल का नियम, याद रखिएगा। अब देखिए प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित बहुत सारे घटनाएं घटती हैं जो हमारे एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। क्या है? सबसे पहला कि मछलियों का वास्तविक गहराई से ऊपर दिखना किसका कारण है, ठीक है? इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो याद रखिएगा कि प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही क्या होता है कि मछलियाँ वास्तविक गहराई से ऊपर दिखाई देती है, या पानी में रखे सिक्के जो होता है अपना वास्तविक स्थान से थोड़ा ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है, या फिर पानी के सतह पर छरी या अगर पेंसिल हम लोग उसमें डालते हैं पानी में तो क्या होता है, सतह पर वह मुरा हुआ दिखाई देता है। तो यह सब जो घटना है प्रकाश के अपवर्तन के वजह से ही होता है, ठीक है? तो ये एग्ज़ाम में बहुत ही पूछा जाता है, याद रखिएगा कि पानी में रखी छर या पेंसिल मुरा हुआ क्यों प्रतीत होता है। तो याद रखिएगा प्रकाश के किसके कारण, अपवर्तन के कारण, ठीक है? या फिर मछलियों का वास्तविक गहराई से ऊपर दिखाई देना, यह भी किसके कारण, तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण, ठीक है? तो यह सब इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा, एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। अब देखिए क्या है, विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होती है। मैंने अभी जस्ट बताया अपवर्तनांक में अंतर होने के कारण क्या होता है कि अलग अलग माध्यम में प्रकाश की जो चाल होती है वह अलग अलग होती है। जैसे हम बात कर लें निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है, तो कितना है देखिए यहाँ पर 300,000 किलोमीटर प्रति सेकंड है। कितना है? 300,000 किलोमीटर प्रति सेकंड। पानी में प्रकाश की चाल की बात करें तो कितना है, 225,000 किलोमीटर प्रति सेकंड, और कांच में बात करें तो 200,000 किलोमीटर प्रति सेकंड, ठीक है? तो ये चाल भी एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, इसको याद रखिएगा। चलिए अब देखिए मैंने कहा था अपवर्तनांक में अंतर होने के वजह से क्या होता है कि चाल जो होता है प्रकाश का अलग अलग होता है। तो याद रखिएगा जिस माध्यम का अपवर्तनांक कम होता है, ठीक है, जिस माध्यम का अपवर्तनांक कम होता है उसे क्या कहेंगे, विरल माध्यम, रेरर मीडियम बोलते हैं, और जिसका अपवर्तनांक अधिक होता है उसे क्या बोलते हैं, सघन यानी कि डेंसर मीडियम कहते हैं। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या एग्जाम में पूछे जाते हैं सुनिएगा। मान लीजिए ये मैंने एक मीडियम को डिवाइड किया, ये M1 और ये M2, ये मान लीजिए आपका एयर हो गया, ठीक है, और ये मान लीजिए कांच हो गया आपका, क्या हो गया आपका, कांच। तो एयर का अपवर्तनांक कम होगा और कांच का अपवर्तनांक क्या होगा, यानी कांच वाले मीडियम का अपवर्तनांक ज़्यादा होगा और वायु वाले मीडियम का अपवर्तनांक कम होगा। तो प्रकाश की किरण जब वायु से कांच में आएगी तो उसका क्या हो जाएगा, दिशा में थोड़ा सा जाएगा, और ये हो गया अभिलंब, ठीक है, ये लाइट रेज आई और ऐसे अपवर्तित हो गई, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से, देखिए अपवर्तनांक जिसका कम होगा उसे क्या कहेंगे, विरल कहेंगे, ठीक है, और जिसका अपवर्तनांक ज़्यादा होगा उसे क्या कहेंगे, सघन कहेंगे। तो जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है तो पूछा जाता है कि वह अभिलंब के नज़दीक आती है या अभिलंब के दूर जाती है, ठीक है? तो देखिए प्रकाश की किरण कैसे जाना चाहिए था, ऐसे, लेकिन ऐसे ना जा करके कैसे जाना चाहिए था, देखिएगा प्रकाश की किरण कैसे जाना चाहिए था, ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन ऐसे ना जा करके कैसे आ रही है, ऐसे आ रही है, ठीक है, यानी कि अभिलंब के नज़दीक आ रही है। तो याद रखिएगा जब विरल से, कहाँ, विरल से सघन में आता है तो क्या होता है, अभिलंब की ओर आता है, ठीक है। अगर मान लीजिए कि लाइट रेज इधर से ऐसे जाता है, ठीक है, इधर से किधर से, जैसे मान लीजिए कि लाइट रेज जो है ऐसे जाता, ठीक है, कैसे, ऐसे जाता तो क्या होता है, अभिलंब से दूर भागता, क्या होता है, अभिलंब से दूर भागता। तो ये भी पॉइंट याद रखिएगा कि सघन से विरल में जाएगा तो दूर भागेगा, ठीक है, और विरल से सघन में आएगा तो नज़दीक आएगा, किसके, तो अभिलंब के। तो इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे ये आपका विरल माध्यम हो गया वायु और ये आपका सघन माध्यम हो गया कांच। तो देखिए ये आपका अभिलंब है, ये क्या है, अभिलंब है, ये भी क्या है, अभिलंब है। ये विरल से सघन में आया तो देखिए डायरेक्शन क्या होना चाहिए था, इसका डायरेक्शन ऐसा होना चाहिए था, ठीक है, लेकिन हुआ क्या, ऐसा होना चाहिए था लेकिन ये क्या हो गया, मुड़ गया, किस ओर, अभिलंब की ओर मुड़ गया, यानी विरल से सघन में आया तो अभिलंब की ओर मुड़ेगा। और देखिए सघन से जब कहाँ आया, विरल में आया, तो ये अभिलंब से दूर भाग रहा है, ठीक है। तो यही चीज़ मैं भी समझा रहा था। चलिए अब अगला पॉइंट आता है पार्श्विक विस्थापन। पार्श्विक विस्थापन क्या होता है, गौर से सुनिएगा।
जो आपतित किरण होती है, जैसे कि मान लीजिए ये आपका आपतित किरण है, ठीक है, क्या है आपतित किरण और ये निर्गत किरण, इसके बीच का जो लंबवत दूरी होता है ना, ये जो लंबवत दूरी है, ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं, पार्श्विक विस्थापन बोलते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिख भी दिया है, इसको याद कर लीजिएगा, आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच की लंबवत दूरी को पार्श्विक विस्थापन कहा जाता है। हालांकि एग्जामिनेशन में बहुत कम बार पूछा गया है, फिर भी याद रखिएगा। चलिए अगला पॉइंट आता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी कि अपवर्तनांक। तो अपवर्तनांक क्या होता है, निर्वात में प्रकाश की चाल और उस माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को क्या बोलते हैं, अपवर्तनांक कहते हैं। यानी मान लीजिए अगर आपसे पूछता है कि पानी का अपवर्तनांक कितना होता है, ठीक है, तो पानी का अपवर्तनांक निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, सबसे पहले तो निर्वात में प्रकाश की चाल, तो निर्वात में कितना है, 300,000 किलोमीटर प्रति सेकेंड, ठीक है, कितना 300,000 किलोमीटर प्रति सेकेंड, ठीक है, और उस माध्यम मतलब क्या, जिस माध्यम की बात करेगा, पानी की बात करेगा तो पानी में प्रकाश की चाल का अनुपात दे देंगे, ठीक है, या फिर आपका अगर मान लेते हैं कि किरोसिन कहता है तो किरोसिन, तब हम अगर उसको डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो कुछ इस तरीके से डिवाइड करने पर ये कितना आ जाएगा, 1.33 के करीब आता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी पदार्थ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हैं, ठीक है। तो वही कह रहा है कि अपवर्तनांक जो होता है क्या होता है, निर्वात में प्रकाश की चाल और जिस माध्यम की बात कर रहा है उस माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को अपवर्तनांक कहते हैं। तो एग्जाम में पूछा जाता है पानी का अपवर्तनांक 1.33, किरोसिन का कितना 1.44, अल्कोहल का 1.66, टारपिन का 1.47, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का 1.63, हीरा का सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, तो हीरा का आप याद रखेंगे, हीरा का कितना 2.42 होता है, ठीक है। चलिए अब दो माध्यमों के निरपेक्ष अपवर्तनांक के अनुपात को क्या बोलते हैं, आपेक्षिक अपवर्तनांक कहते हैं, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। अब देखिए अक्सर हम लोग प्रिज्म के बारे में सुनते हैं कि प्रिज्म क्या है, तो देखिए प्रिज्म एक तरह का क्या है, पारदर्शी पदार्थ होता है जिसमें कितने 5 फलक होते हैं, कितने 5 फलक कह लीजिए या 5 सतह कह लीजिए, जिससे क्या होता है कि प्रकाश की जो भी किरण होती है वह जब क्रॉस करती है तो उसके जितने भी अवयवी कलर होते हैं उसमें डिवाइड हो जाता है। तो प्रिज्म क्या है, प्रिज्म है सपाट चिकनी सतहों वाला एक पारदर्शी प्रकाशीय अवयव जो क्या करता है, प्रकाश का अपवर्तन कराता है, ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिए मैंने अभी जस्ट कहा प्रिज्म के कितने सतह हैं, तो याद रखिएगा इम्पोर्टेंट है, प्रिज्म 5 सतहों से घिरा होता है, ठीक है, और प्रिज्म के जिस पृष्ठ पर प्रकाश की किरण पड़ती है, जैसे मान लीजिए ये आपका प्रिज्म है, ठीक है, तो जिस भी सतह पर प्रकाश की किरण पड़ती है तो उस सतह को क्या बोलते हैं, अपवर्तक पृष्ठ बोलते हैं, ठीक है, और अपवर्तक पृष्ठों के बीच के कोण को क्या बोलते हैं, प्रिज्म का कोण, ये जो एंगल बनता है इसको क्या बोलते हैं, प्रिज्म का कोण या फिर अपवर्तन कोण कहते हैं। तो चलिए इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। अब अगला जो बचता है आपका लेंस, वो हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। तो वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।